मुझे घी देने के लिए आए ना, तो मैंने देखा कि मेरा जो ब्रेन है और मेरा जो बॉडी है ना, वो ऑटोमेटिकली बिहेव कर रहा था दूर से ग्लास को देख करके ही, क्योंकि जो ट्रॉमा आपको, जिस भी चीज से आपको ट्रॉमा लगता है, जिस भी चीज को आप पसंद नहीं करते हो, आपका ब्रेन आपको नेक्स्ट टाइम वो चीज होने वाली होती है उससे पहले अलर्ट कर देता है कि ये वही होने वाला है जो तुम्हें पसंद नहीं है, ऐसा होता है ना। आज क्या हुआ ना, जैसे मेरा सेशन खत्म हुआ और वो घी लेकर के आ रही थी बंदी, तो एक ट्रे में एक तरफ एक भी घी रहता है, दूसरी तरफ रहता है गर्म पानी, साथ में थोड़ा सा शुगर रहता है और टिश्यू पेपर, ये वो ट्रे में लेके आती हैं। अब मेरा माइंड ना वो ट्रे को देखते ही ना वो वॉमिट वाली फील करने लग जाता है। तो जैसे वो निकल के आई, मैंने ट्रे देखा ना, मुझे वो फीलिंग आने लगी, मुझे अपने आप वो घी का स्मेल आने लगा जो कि इतने दूर था मेरे से। और मेरा जो हाल होता है ना, मतलब कैसे तो करके मैं घी पीती हूँ, उसमें एक तरीका है कि अगर आप उसको स्मेल कर लोगे तो आप नहीं पी पाओगे, तो बिल्कुल नाक बंद करके एक बार पीना रहता है, उसके बाद फटाफट मैं चीनी खा लेती हूँ। और इतने दिन से मैं सिर्फ मूंग का दाल और खिचड़ी और उपमा ये सब खा रही हूँ, एक तो भूख कम लगती है और लगती भी है ना तो खाने का इच्छा नहीं करता है, रोज रोज किसको मन करेगा ये सब खाने का। तो आज मैं डॉक्टर को पूछा कि क्या मैं कुछ और खा सकती हूँ, मेरा बिल्कुल टेस्ट बड खराब हो गया, मन नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि क्या खाना चाहते हो, सब कुछ अभी आपको नहीं पचने वाला। तो मैंने कहा क्या मैं एकदम पानी वाला आलू की सब्जी बनाऊं, तो उन्होंने कहा ठीक है थोड़ा सा लेकर के खा सकते हो। आज चलिए थोड़ा सा अलग सा लंच बनेगा जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कभी नहीं सोचा था कि पानी वाला आलू खाने के लिए भी ऐसा आएगा कि मैं खुश हो जाऊंगी और एक्साइटेड होंगी कि ये आज कुछ अलग खाने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत भी घर को डेकोरेट कर लीजिए, ऑर्गेनाइज कर लीजिए, चीजों को थोड़ा सा शफल कर लीजिए, उससे ना बड़ा रिलैक्सिंग फील होता है और जो नया लुक आता है ना वो कुछ दिनों तक आपको बहुत खुशी देता है। सब्जी में तेल ढूंढने पर भी नहीं मिलने वाला, इतना कम डाला है। लकीली मुझे ऐसा खाना कम तेल में बनाने की आदत है, तो मेरे लिए बहुत नई बात नहीं है, मैं कैसे भी काम चला लूंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी तेल मसाला नहीं खाना है तो मैं नहीं ही खाने वाली हूँ। थोड़ा सा प्याज कट किया है, छोटा सा प्याज है एक, इसे डाल देंगे। वैसे ये रेसिपी भगवान ना करे कभी आपको फॉलो करनी पड़े, ऐसा सब्जी आपको बनाना ना पड़े, पर मैं आज फिर भी बहुत चाव से खाने वाली हूँ इसे। इधर से ना किसी भी चीज में टमाटर यूज ही नहीं होता है, क्योंकि खिचड़ी में और मूंग की दाल में तो डालती नहीं हूँ, तो बचा क्या, तो टमाटर है ही नहीं और मुझे याद भी नहीं था। और इसमें अगर टमाटर ही ना डाला जाए तो फिर वो टेस्ट कैसे आएगा, ग्रेवी टमाटर से आनी हो तो जो खट्टा सा टेस्ट आएगा वो भी उसी से आएगा। पर इसी सब टाइम पे ना ये इंस्टा स्विगी बड़ा काम आ जाता है, क्योंकि 15 से 20 मिनट में ये लोग डिलीवर कर देते हैं। दिवाली से ना मैंने यहाँ पे बहुत सारे फूल रखना स्टार्ट कर दिया था, आर्टिफिशियल फ्लावर, और काफी दिन तक वैसे ही रखा, पर उसमें धूल जमती है, उसको क्लीन करना डिफिकल्ट होता था, तो अब मैंने वो सब हटा दिया और सिर्फ देखिए इस व्हाइट प्लेट के साथ में बुद्धा को रखा है। और ये इतना दिखने में अच्छा लग रहा है ना, ये काफी बड़े साइज का एक सिरामिक प्लेट है, मुझे एक सुपरमार्केट से मिला था, और पता है इतना बड़ा प्लेट ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज का मिला था, देखते ही मैंने ले लिया था ऐसे ही रैंडम किसी सुपरमार्केट से। और इस पे ये बुद्धा इतना काम लग रहा है ना, शाम को मैं इसमें कैंडल को बर्न कर दूंगी और ये क्लीन और इतना अच्छा लग रहा है। साथ में ये वाला कुशन भी मैंने यहाँ पे लाके रख दिया, ये बैठने में भी आसानी हो जाती है और ये एरिया साफ सुथरा और सिंपल सा लग रहा है। ये भी मैंने एडिशन किया ना यहाँ पे, बास्केट ये कहीं और पे था, ये भी दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। और ऊपर भी थोड़ा बहुत जो है वो देखिए इस तरीके से चीजें थोड़ी बहुत कम की है,
और थोड़ा सा नयापन सा लग रहा है खाली खाली होने से ना, बाकी एज इट इज है, बाकी ये सब तो जैसा था वैसा ही रखा है। टमाटर का वेट कर रही हूँ, बंद कर दिया गैस। और मैंने क्या किया, लौकी और पम्पकिन फिर से मंगा लिया ताकि वो मिनिमम अमाउंट जो है ना वो पूरा हो जाए, क्योंकि खाना तो है यूज में तो आ ही जाएगा, तो वो दोनों मंगा लिया। और थोड़ा सा आलू मंगा लिया, आलू भी बिल्कुल खत्म हो गया है। तो अब आए तो खाना बनाओ। और आज भी मैंने शैम्पू नहीं किया है, 2 दिन से शैम्पू नहीं किया। पता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे 2-3 दिन बालों में ऑयल लगा के रख पाऊंगी, क्योंकि मैक्स टू मैक्स मैंने ना ऑयल एक रात ही रखा है, उसके बाद नेक्स्ट डे ही मैं शैम्पू कर देती थी। पर अब क्या हो गया ना, बोर मारता है। पता है आज अगर मैंने शैम्पू कर दिया, बाल लहराते हुए मेरे हो भी गए, उससे क्या फायदा होगा, कल फिर वो लोग आएंगे इतना तेल चुपोड़ देंगे। तो आलस में मैंने छोड़ ही दिया। और बिल्कुल भी खुजली नहीं होती है, आयुर्वेदिक तेल है, पता नहीं क्या लगाते हैं वो, तो डब्बे से निकालते नहीं है, कटोरी में रखते हैं वो लोग। देखती हूँ लास्ट डे हो सके तो पूछूंगी सीक्रेट की कौन कौन सा ऑयल आप लोग यूज करते हो। वैसे उनके पास में ना मेरा आ गया टमाटर। ये जो बैग आता है ना इंस्टा स्विगी से, ये आपको पता है ये हर ऑर्डर में ये लोग 1-2 देते हैं। तो अगर आपके पास बहुत सारे ये बैग्स हो गए हैं और आपको नहीं रखने, तो नेक्स्ट टाइम जब बंदा आएगा ना स्विगी वाला, ये वाला बैग आप उसको रिटर्न कर देना। इससे क्या होगा, आपको कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन वो जब ये रिटर्न करता है ना स्विगी को, तो उसको कुछ इंसेंटिव मिल जाता है। ये रहा पम्पकिन, बिल्कुल ही कच्चा सा है। प्राइस ये लोग यहाँ पे नहीं लिखते ना, बिल पे ही रहता है कि यहाँ पे लिखा है 200 ग्राम है, नहीं प्राइस नहीं लिखा हुआ है। ओ अंगद ने मंगवा लिया साथ में हमारा अमृत पाउडर जैगरी, हम ये वाला जैगरी यूज करते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है। 2-2 पैकेट मंगा लिया अंगद ने, तो मिनिमम बिल ना उसको नहीं अच्छा लगता है 100-125 रुपए के लिए दौड़ाना किसी को, मुझे पता था वो बिल बनवा ही लेगा, यूज में तो आ ही जाता है। ये रहा लौकी, काफी बड़ा है और ये मेरा 2 दिन चलेगा, 2 टाइम में खत्म। टमाटर, वाह कच्चा पक्का मिक्स टमाटर दिया इन लोगों ने, ये अच्छा किया है। ये अंगद ने ना जामनगरी चिवड़ा मंगवाया है और ये इतना टेस्टी लगता है ना, जब ये आया था मैंने 1 दिन ही खाया, उसके बाद से तो मेरा डाइट ही चेंज हो गया। कॉर्नफ्लेक्स जैसा रहता है, बीच बीच में थोड़ा बहुत काजू वगैरह भी आएगा, पर अच्छा है, मीठा मीठा है, तीखा नहीं है। अब निकाल लिया है तो मैं ये अंगद को दे देती हूँ। सब्जी हो गई, 3 सीटी में मैंने बंद भी कर दिया, था ही नहीं कुछ उसमें, एक आलू था, पकने में क्या ही टाइम लगता। राइस थोड़ा गीला कर रही हूँ क्योंकि सब्जी थोड़ा अलग खा रही हूँ, तो राइस थोड़ा गीला करके खा लूंगी। और लेट हो गया, एक्चुअली 1:30 बज गया है, भूख भी लग रही है और मुझे नींद भी आ रही। पता है सोना मना है, अब जो भी काम आपको मना कर दिया जाए, आपका दिमाग बोलता है वही करो वही करो। खाना खाने मना कर दिया जाए अच्छा, तो आपको खाने का मन करेगा। दिन में सोने को मना किया तो नींद आती है, जबकि मैं दोपहर में ऐसा नहीं कि मुझे सोने की आदत है, इसीलिए मैं क्या करूंगी ना, मैं व्लॉग को एडिट कर लूंगी बैठ के, जितना शूट किया दोपहर को, ताकि नींद ना आए, तभी अच्छा रहेगा। और मैं अभी सोच रही थी कि मैंने इंस्टा स्विगी के बारे में आपको इतना बताया कि अच्छा होता है वगैरह वगैरह, तो कुछ लोग सोचेंगे कि ये प्रमोशन है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी चीज के बारे में बताइए या शेयर करिए, तारीफ करिए, तो बहुत लोगों को लगता है ये प्रमोशन है। तो मैं बता दूं, मेरे चैनल पे जो पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा, अगर कभी भी पेड प्रमोशन होगा तो टैग आ जाएगा इंक्लूड पेड प्रमोशन का। अगर पेड प्रमोशन नहीं होगा, सिर्फ ब्रांड ने रिव्यू करने को भेजा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस केस में कोलैबोरेशन लिखा हुआ आ जाएगा। तो कुछ भी चीज की मैं तारीफ कर रही होती हूँ, जो एक्सपीरियंस से बता रही होती हूँ, बस का मतलब नहीं है वो पेड प्रमोशन है। इससे मुझे एक बात याद आई कि अभी कल ही मैं एक सेलिब्रिटी का व्लॉग देख रही थी, उन्होंने एक वीडियो बनाया, तो मान लीजिए 15 मिनट का वीडियो था, उसमें से 6 से 7 मिनट उन्होंने प्रमोशन डाला था, और प्रमोशन में कोई टैग नहीं था कि ये पेड प्रमोशन है या कोलैबोरेशन है, कुछ भी नहीं। और बहुत ही ना स्टोरी टाइप बनाकर उन्होंने थोड़ा नाटक कर करके किया, और चलिए बताया जो किया किया उनको जो करना था। मैं हैरान उनसे नहीं हूं, मैं हैरान हूं कमेंट सेक्शन से। जब मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ा तो वहां पे कमेंट्स आए हुए थे लोगों के, वाओ फर्स्ट प्रमोशन, वेरी हैप्पी, कीप ग्रोइंग। तो मैंने कहा लो, जब सेलिब्रिटी ऐसा करते हैं प्रमोशन तो लोग खुश हो जाते हैं। वही अगर कोई नॉर्मल यूट्यूबर प्रमोशन कर दे, भले ही वो 2 मिनट का करे 16 मिनट के वीडियो में, बाकी 12-14 मिनट आपको अच्छे से व्लॉग ही दिखाए, उस 2 मिनट के लिए लोग बोलते हैं प्रमोशन कर दिया, प्रमोशन आप बहुत लेते हो। तो मुझे ये चीज बहुत बुरी लगती है कि क्यों भाई, अगर आप ऑफिस में काम करते हो, वहां पे आपको कभी कभी क्या हो जाता है कि बोनस मिल जाता है, कभी गिफ्ट मिल जाता है, कभी कुछ ऐसे ही कूपन वगैरह मिल जाता है, मिलता है ना, अंगद लोग को तो मिलता रहता है, कई बार तो अंगद लोग को अमेजोन का कूपन भी मिलता है।
तो उस टाइम पे तो आपको खुशी होती है क्योंकि वह जो जॉब कर रहे हो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा आपको मिला, आप मेहनत करते हो इसलिए मिला। तो वैसे ही हम यूट्यूबर के लिए हमारा ये काम है ना कि हम सब कुछ सही से शेयर तो कर ही रहे हैं, पर बीच में कोई कंपनी आती है, वो कंपनी हमें अच्छी लगती है, उसके प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं और हम आपसे शेयर करते हैं और आपको बता के करते हैं कि ये कोलैबोरेशन या प्रमोशन है और सही से रिव्यू देते हैं, तो इसमें क्या बुरी बात है। तो इसीलिए मैं भाई पहले बता देती हूँ, आज कोई स्विगी का प्रमोशन नहीं आया है। आता तो मैं बहुत खुश हो जाती क्योंकि बहुत अच्छा है, मैं यूज करती हूँ, क्यों ना मैं खुशी खुशी बताती आपको, पर ऐसा है नहीं। पर मैं हैरान होगी वो कमेंट सेक्शन पढ़ के कि उनको सब लोग तारीफ ही कर रहे, कोई नहीं बोल रहा है कि आपने 6 मिनट 7 मिनट तो पूरा स्टोरी बनाया प्रमोशन के लिए। आम यूट्यूबर करे तो बहुत ही ज्यादा, तो ये डिस्पैरिटी तो है। खैचली मेरा बहुत ज्यादा ही गीला हो जाएगा तो खाने लायक भी नहीं रहेगा। मेरा लंच, सिर्फ टमाटर से भी ये रस कितना ज्यादा अच्छा लगा दिखने में ना, और हल्दी नमक के अलावा कुछ भी नहीं डाला है इसमें, टमाटर से ही जो कलर आया है और राइस है ये भी थोड़ा सा गीला करके है, सिंपल है पर मेरे लिए आज ये लग्जरी है। बोल रहे थे कि ये शिफ्ट कर दो कोई नहीं क्योंकि अभी फ्राइडे, तुम मत बनाओ बहाने, नहीं सुन रहा है मुझे, मैंने जो एंड का 5 मिनट सुना है उससे मुझे बहुत दुख हुआ है, यही काम था तुम्हारा, क्या हो रहा है। मैं तब से तुमको चाय के लिए बोल रही हूँ और तुम लोग डिस्कस कर रहे हो। 5 मिनट देखो, 4:30 को मेरा ऑफिस ऑफिशियल टाइम खत्म होता है, 4:35 हुआ है। तुम अभी क्या हो रहा था मैं बताती हूँ, मैं 10 मिनट से लौट रही थी कि अंगद चलो 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 चाय पीने, बोलोगी तो मैं कैसे बोल सकता हूं। लेकिन जब मैं अभी एंड में आई तो ये लोग मीटिंग के बहाने सब मिलके सीरीज डिस्कस कर रहे थे, मनी हाइस्ट है ना, स्क्विड गेम, बिजनेस वाला देखते हैं ना, शार्क टैंक पे शिफ्ट हुआ, फिर शार्क टैंक से फिर और कौन सा शो अच्छा है बोल के, तो फिर मनी हाइस्ट, तो ये फलाना डिमकाना, शार्क टैंक तो टॉक ऑफ द टाउन है, जहां जाइए शार्क टैंक दो तीन चीजें चल रही है, एक शार्क टैंक, एक मैं झुकेगा नहीं साला पुष्पा, और झुकेगा नहीं, और तीसरा पता क्या है, हां जी, काचा बादाम वो तो मस्त है। एक और चीज चल रही है, क्या बता दूं, फॉग, टिंग टिंग टिंग, मुझे पता था ये पीजे सालों साल से चल रहा है। छोटी सी डिबिया और उसमें थोड़ा सा सौंफ, ये मेरे बहुत काम में आता है, आयुर्वेदा सेंटर में हर दिन से लेके जाती हूँ, तो घी पीने के बाद जब तक मैं घर वापस आती हूँ ना, मैं एक दो बार ये थोड़ा थोड़ा खाती हूँ टेस्ट चेंज करने के लिए, तो सोच रही हूँ रिफिल कर लूँ क्योंकि काफी कम बचा हुआ है, और इसके लिए ही मैंने मंगवा लिया था ये सौंफ और साथ में ये मिश्री, ये बहुत काम में आता है। वो लोग शुगर देते हैं लेकिन वो थोड़ा सा शुगर लेने के बाद में ना फिर ऑन द वे रास्ते में भी बहुत बढ़ना मन करता है खाने का, तो थोड़ा थोड़ा इसको टेस्ट कर लेती हूँ, ज्यादा नहीं, स्वीट खाना मना रहता है इस प्रोसेस में। बहुत अच्छा गाना गा रहा था अंगद, मैंने कहा और को मैं कैमरा ऑन करती हूँ, क्या गाना गा रहे थे अंगद? कच्चा बादाम गुड़ मिला के खाए कच्चा बादाम। सच में ये सिर पे तो सेट कर रहा है, ये गुड़ मिला के बादाम ही तो है। पीनट चिक्की खाई है? कितना बड़ा चिक्की मंगवाया है अंगद, दिखाओ। अरे इतना छोटा छोटा पीस आता है। अंगद को एक्चुअली चिक्की बहुत ज्यादा पसंद है, फेवरेट है मेरा, इसका फेवरेट है, कितना भी खा सकता है, मुझे नहीं अच्छा लगता, पता नहीं क्यों, चिक्की एक जरा भी नहीं अच्छा लग रहा है मेरा। अभी आजकल नया चला है पीनट बटर। हाँ, तो मतलब तुमको पीनट पसंद है ना, ओवरऑल पीनट पसंद है, खानदानी है पीनट से रिलना देना। हाँ, जिन्होंने गुजरात का सीरीज देखा है उन्हें पता होगा पीनट क्यों खानदानी। काफी बड़ा सा ये कुरियर आया है, अब इसमें क्या है ये तो आपको आने वाले व्लॉग में पता चलेगा, आज तो अभी आया ही है हमारे पास, और इसको अभी नहीं खोलते हैं, क्वारंटीन करते नहीं एक दिन के लिए, तो थोड़ा कर दोगे कोने में साइड में। मैं ना जब भी क्लीन करती हूँ अपना फॉयल एरिया, सोचती हूँ अब इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, तभी कुछ ना कुछ एक आध चीजें आती हैं, जैसे ये आया, अभी कुछ और भी कुरियर्स आया दिन भर में, आते हैं थोड़ा वॉक करके आते हैं, और यहाँ पे मैं सारा मास्क वगैरह रखती हूँ, मुझे इसके लिए ना एक बास्केट में सोच रही हूँ अब ले लूँ, ताकि ये थोड़ा सा बेटर ऑर्गेनाइज दिखे। ये वाला पेन था कलरफुल मास्क, जाते हैं थोड़ा सा वॉक करते हैं, बहुत ज्यादा ब्रिस्क वॉक मुझे करने के लिए मना है अभी, कोई भी एक्सरसाइज करना भी मना है, पर हल्का फुल्का टहलेंगे थोड़ा सा, उससे अच्छा फील होता है, वरना घर पे ही बैठे रहते हैं, तो 15-20 मिनट के लिए चक्कर काटेंगे, फिर बेंच है वहीं बेंच पे जाकर के स्विमिंग पूल के पास हम लोग बैठ जाते हैं 10 मिनट के लिए,
थोड़ा सा हवा लेते हैं और घर आ जाते हैं। एनीवेज आने के बाद बनाना है मुझे डिनर, बहुत ही सिंपल सा। आज बनेगा मूंग दाल की खिचड़ी, क्योंकि दिन में मैंने आलू खा लिया था ना, आलू वाली सब्जी, तो रात को अभी कुछ नहीं करते, सिंपल सा खाते हैं। तो खाना खाएंगे और चलिए इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग अब यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरे साथ ये दिन बिताकर अच्छा लगा होगा। अब थोड़ा अंधेरा होता जाएगा, तो हम लोग मिलेंगे आपसे अगली बार। तब तक आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए और प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।